कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंदौर के पितृ पर्वत पर होने वाला दीपदान महाकुंभ का आयोजन आगे बढ़ा दिया गया है। अभी ये आयोजन अगले साल 28 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, ये जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दी। वहीं लव जिहाद पर चल रही बयानबाजी पर विजयवर्गीय ने लव जिहाद की परिभाषा को समझना होगा, षड्यंत्र पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से कोई ये काम करे, लव जिहाद कानून उसके लिए है। वहीं लव जिहाद में कितने साल की सज़ा का प्रावधान हो इसको लेकर विजयवर्गीय ने कहा इसका फैसला विधानसभा में विधायक करेंगे। गौ कैबिनेट को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक अच्छी शुरुआत हुई है, शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा से पुरानी परंपरा और सनातन धर्म का सम्मान किया है। उसकी तैयारियां भी हो गई, जिले की बैठक हो गई, ग्रामीण क्षेत्र की बैठक हो गई, वार्डों में बैठक हो गई। महाराज जी पिछले 10 दिन से यहीं पर हैं, पर कोविड की महामारी के कारण, क्योंकि वो आयोजन इतना बड़ा होता, विश्व का सबसे बड़ा दीपदान का कार्यक्रम होता हो, और उस दीपक को जलाने के लिए 32,000 लोग, एक व्यक्ति 50 दिए जलाता तो 32,000 लोग लगते हैं, तो कार्यकर्ताओं की भी सारी बात हो गई थी, चर्चा हो गई और बैठकों का दौर जारी था। इसी बीच में कोविड की समस्या, जिस प्रकार अचानक रोगी बढ़े हैं, कल ही अचानक इंदौर में 550 के आसपास शायद रोगियों की संख्या थी, तो अचानक ही निर्णय लिया, महाराज जी से चर्चा की और इसको आगे बढ़ाने का हमने निर्णय ले लिया है। अब ये प्राण प्रतिष्ठा जो हमारी 28 फरवरी को हुई थी, अब 28 फरवरी को ये 16 लाख दिए जलेंगे। इसमें ग्रीनीज ऑफ ग्रीनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हमने अप्लाई कर रखा है,